दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि आप सभी लोग फोन पे एप्लीकेशन में अपने दोस्त को रेफर एंड अर्न करके पैसा कैसे कमाओ। फोन पे एप्लीकेशन पे रेफर करने पे एक रेफर का आप सभी को 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल रहा है। लाइव में आप सभी के सामने रेफर करके एंड 100 रुपीज़ का कैशबैक अर्न करके दिखाने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे बोलते हैं कि मुझे नहीं मिला एंड मैंने अपने दोस्त को रेफ़र किया था, मेरे लिंक के थ्रू किया था। आप सभी लोग क्या गलतियां करते हो वो भी आप सभी को इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो मैं फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा। ये मेरा नया डिवाइस है, इसमें अभी तक मैंने फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है एंड लाइव मैं आपके सामने रेफ़र करके दिखाने वाला हूँ। जैसे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा आप सभी को रेफर इन किट का ऑप्शन देखने को मिला, इस पर क्लिक करना है एंड जैसे इस पर क्लिक करोगे आप सभी लोगों को लिंक सेंड कर देना है अपने दोस्त के पास, जिसके हम फोन पे एप्लीकेशन का अकाउंट बनाना। तो आप सभी लोग देख सकते हो रेफर करने पे आपको 100 रुपीज़ मिला है। मैंने सेंड पे क्लिक किया एंड यहाँ पे मैं दोस्त के पास लिंक को सेंड कर दूंगा। आप जिस फ्रेंड के पास लिंक भेज रहे हो उसके में पहले से फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होना चाहिए एंड उसका जो स्मार्टफोन है न्यू होना चाहिए एंड उसका मोबाइल नंबर से फ़ोन पे एप्लीकेशन पहले से लिंक नहीं होना चाहिए। एंड ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें अभी तक फ़ोन पे एप्लीकेशन नहीं बनाया है। तो यहाँ पे लिंक मैंने सेंड कर दिया है एंड क्या टर्म एंड कंडीशन है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अब आप सभी लोग पहले एक बार इसे रीड कर लेना, इसमें क्या प्रोसेस है। आप जैसे कि आप सभी लोग को करना क्या है, जो आप सभी को लिंक आपके दोस्त ने भेजा है इसी लिंक पे क्लिक करना है एंड जैसे आपने लिंक पे क्लिक कर दिया एंड आप सभी लोगों को ये रिडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर पे एंड आप सभी लोगों को लिंक पे ही क्लिक करना है। जैसे रिडायरेक्ट करेगा आपको प्ले स्टोर पे, वहीं पे जाके आप सभी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। डाउनलोड होने के बाद आप सभी लोगों को ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड जैसे आप ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड आप सभी को कुछ इस प्रकार आएगा, आप सभी को मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर आप सभी के मोबाइल नंबर पे 5 अंक का OTP आएगा एंड आप सभी का वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक एंड लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। VR पे क्लिक कर लेना है। लोडिंग होने के बाद कुछ इस प्रकार का नया पेज आएगा तो आप सभी को स्किप पे क्लिक कर देना है एंड जैसे आप स्किप पे क्लिक कर दोगे आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का नया पेज देखने को मिलेगा। अब आप सभी को करना है कि ऐड बैंक का ऑप्शन आ रहा है, आप सभी को ऐड बैंक पे क्लिक करना है एंड आप सभी का जो बैंक अकाउंट है आप सभी को उसे सर्च कर लेना है। जैसे मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है तो मैं पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सिलेक्ट कर लूँगा एंड उसके बाद इसे क्लिक कर दूंगा एंड ये ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। मेरा बैंक अकाउंट सक्सेसफुल ऐड हो गया है एंड यहाँ पे रीसेट पिन का ऑप्शन आ रहा है, पिन रीसेट कर सकते हो, ब्रांच इसका नेम है, खाता वगैरह सारा चीज़ आ जाएगा। ओके पे क्लिक करना है एंड उसके बाद अब आप सभी को क्या करना है, फर्स्ट पेमेंट करना है। आप किसी भी फ्रेंड को लिंक भेज कर उसके में अकाउंट बना रहे हो, अकाउंट बनाने के बाद बैंक अकाउंट वगैरह जैसे लिंक कर दोगे उसके बाद आप सभी को मतलब 24 घंटे के अंदर ही फर्स्ट ट्रांजेक्शन कराना है, तभी आप सभी को रेफर एंड अर्न का 100 रुपीज़ मिलेगा। तो मैं किसी के पास 100 रुपीज़ सेंड कर दूंगा। लाइव आप देख सकते हैं मैंने 100 रुपीज़ जैसे यहाँ पे सेंड कर दिया है। अब मैं अपने में आप सभी को चेक करके दिखा देता हूँ। लाइव में आप सभी को पेमेंट प्रूफ दिखा देता हूँ। लाइव मैंने आप सभी को मोबाइल के सिम पे नहीं दिखा पाया क्योंकि मैंने वीडियो को पॉज किया था, फिर मैंने वीडियो स्टार्ट करना भूल गया और ऐसे ही वीडियो बना दिया एंड उसमें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट मैं आप सभी को रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ प्रूफ। अब जैसे मैंने किसी फ्रेंड के पास लिंक भेजकर उसका फ़ोन पे एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट लिंक किया, फर्स्ट पेमेंट करा दिया, तो मुझे कैशबैक कैसे मिलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कैशबैक कहाँ पे मिला। तो आपको हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपल सा क्लिक करना, फिर आप सभी को कैशबैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना, अप्लाई पे क्लिक कर देना। अब जो भी आपने फ़ोन पे एप्लीकेशन से कैशबैक अर्न किया यहाँ पे दिखा देगा, तो यहाँ पे आपको डेट वगैरह दिखा देगा एंड आप सभी लोग कितने रुपए कैशबैक मिलेगा ये भी दिखा देगा। तो फ़ोन पे एप्लीकेशन में किसी में रेफ़र करने पे 200 मिल रहा है, किसी पे रेफ़र करने पे 100 मिल रहा है, तो मेरे में जो ऑफर है रेफ़र करने पे 100 रुपये दिखा रहा। तो ये आप सभी लोग डेट देख सकते हो, जो मुझे यहाँ पे 100 रुपीज़ मिला है ये आप सभी लोग देख सकते हो, बट ये जो 100 रुपीज़ है ये आप सभी के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में नहीं मिलेंगे, ये आप सभी को मिलेंगे गिफ्ट कार्ड में। तो इसे ट्रांसफ़र कैसे करना है, कैसे आप सभी को अपना बैलेंस चेक करना है वो भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। होम के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, पहले ऑप्शन पे आप सभी को क्लिक करना है एंड जैसे इस पर क्लिक कर दोगे एंड आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। अब जो आप सभी का पैसा है, पहले आप सभी को फ़ोन पे वॉलेट पे मिलता था रेफरेंडम का पैसा, अब आप सभी को जो पैसा रेफरेंडम का वो आप सभी के गिफ्ट कार्ड में मिलता है। तो जब गिफ्ट कार्ड पे आप क्लिक करोगे तो जो भी आपका पैसा है यहाँ पे आपको दिखा देगा। अब इस पैसे को आप सभी को बैंक में कैसे निकालना, तो यहाँ पे आपको बैंक आ जाना है, फिर आप सभी को यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। मार्केट में आप सभी ने देखा होगा फ़ोन पे के बिजनेस QR कोड लगे होते हैं,
तो जैसे आपको रेफर एंड का जो पैसा है, आप सभी लोग उस QR कोड को स्कैन करना, उसके बाद आप सभी लोग का अमाउंट आएगा फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड का, आपको वहाँ पे सिलेक्ट करके आप सभी लोग उस पैसे को उस पर पे करके एंड आप सभी लोग उससे रुपये ले सकते हो, या आप अपना फ़ोन पे बिजनेस पे अपना अकाउंट बनाकर एंड उस पर पैसे आप डालकर उसके बाद ये आप सभी के सुबह मॉर्निंग में आपके पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो जो भी आप सभी का रेफर एंड अर्न का पैसा होगा आप सभी को गिफ्ट कार्ड में मिलेगा, उसे बैंक में ट्रांसफ़र करना भी मैंने आपको बता दी काफ़ी ज़्यादा आसान है। मार्केट में आपको बहुत सारे बिजनेस QR कोड देखने को मिलेंगे। तो ये है फुल प्रोसेस आप सभी का फ़ोन पे एप्लीकेशन का। बट आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हो फ़ोन पे एप्लीकेशन में रेफर एंड अर्न करने से पहले, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को कैशबैक क्यों नहीं मिलता। तो आप सभी को एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जिस फ्रेंड के पास आप सभी लोग फ़ोन पे एप्लीकेशन की लिंक भेज रहे हो उसके स्मार्टफोन में पहले से फ़ोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होना चाहिए एंड उसका मोबाइल नंबर फ़ोन पे एप्लीकेशन से पहले से लिंक नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने किसी दोस्त के पास भेज दिया एंड उसने फ़ोन पे एप्लीकेशन मेरे लिंक पे क्लिक करके, अब किसी के दोस्त में आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड कराना है तो आपको लिंक पे ही क्लिक करके डाउनलोड कराना है, डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर से नहीं कराना, वरना आप सभी का रेफरल काउंट नहीं होगा। अब जैसे मेरे दोस्त ने मेरे लिंक पे क्लिक करके फ़ोन पे एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाया, जैसे डाउनलोड किया फिर उसके बाद अकाउंट बनाया फिर बैंक अकाउंट लिंक किया, फिर आप सभी को 24 घंटे के अंदर ही आप सभी लोग को बैंक अकाउंट लिंक करके फर्स्ट ट्रांजेक्शन करना रहेगा। अब काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं कि हाँ अपने दोस्त के पास लिंक भेज दिया, उसके में लिंक पे क्लिक करके फ़ोन पे एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाकर छोड़ देते हैं एंड उसके बाद बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद पेमेंट ही नहीं करते। 2-3 दिन बाद आप पेमेंट करोगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। जो प्रोसेस है वो आप सभी का 24 घंटे का है। जिस फ्रेंड के पास आपने लिंक भेजा है उसके में आप सभी लोग अगर उस लिंक पे क्लिक करके फ़ोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कराया है तो आप सभी को 24 घंटे के अंदर बैंक अकाउंट लिंक करके एंड फर्स्ट ट्रांजेक्शन करना है, तभी आप सभी को कैशबैक मिलेगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है फ़ोन पे एप्लीकेशन में रेफर एंड अर्न करने का, पैसे कमाने का, एंड इस तरह आप अपने दोस्तों को फ़ोन पे एप्लीकेशन में रेफर करके पैसा कमा सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना। ऐसी बहुत सारी वीडियोस फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, मैंने सारे पे लाइव प्रोसेस एंड आप सभी को फुल प्रोसेस बताया, लाइव कैशबैक अर्न करके दिखाया है। तो उन वीडियो का आप सभी लोग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल पर विजिट करके आप सभी लोग उन वीडियो को देखकर अपने दोस्तों में रेफर एंड अर्न करके पैसा कमा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।